हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप एक बाइक खरीदने की सोच रहे हैं और आप खरीदने की सोच रहे हैं स्प्लेंडर प्लस, तो बाइक खरीदने से पहले इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख ले। इस वीडियो में मैं आज आपको स्प्लेंडर प्लस का फुल ऑनेस्ट ओनर रिव्यू दूंगा। ये बाइक लिए हुए मुझे आज 1 साल से ऊपर हो गया है और मैं इस बाइक का ओनर हूँ। ओनर जो रिव्यू देता है वही असली रिव्यू होता है। बाकी यूट्यूबर्स आपको रिव्यू तो इसके ज़रूर देते हैं, पर वो नई शोरूम में जाके रिव्यू देते हैं। ये मेरे पास 1 साल से ऊपर है, मैं आज आपको इसका रिव्यू देने वाला हूँ। दोस्तों, इस बाइक का रिव्यू आप देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाए। हमने 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए है, तो चलिए मैं अब आपको इस बाइक का रिव्यू देता हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये है स्प्लेंडर प्लस। ये इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बाइक है और मैं इसे 1 साल से ज़्यादा चला रहा हूँ और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इस बाइक की फुल ओनर रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि ये मैंने 1 साल से चला रहा हूँ। ओनर से अच्छी रिव्यू कोई नहीं दे सकता है, तो चलिए मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ, 1 साल रखने के बाद भी इसकी साउंड कितनी न्यू जैसी है। ये देखिए, ये सेल्फ स्टार्ट है। ये देखिए सिलेंडर, आप देख सकते हैं। और इस बाइक की एक और खासियत है, ये i3s टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। i3s की फुल फॉर्म है इडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम। इसका मतलब है, अगर आप जैसे ट्रैफिक में हैं और न्यूट्रल में, आप बहुत हैवी ट्रैफिक है, न्यूट्रल में अगर आप इसे खड़ा करेंगे तो ये 5 सेकंड में अपने आप बंद हो जाएगा और स्टार्ट करने के लिए आप सिर्फ क्लच दबाने पर ही इसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, जैसे कि स्टार्ट किया है, आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप गियर में जैसे चक्कर है, ट्रैफिक में अगर आप फंस गए, बहुत हैवी ट्रैफिक है, आप न्यूट्रल में करके वहाँ पर खड़ा कर देंगे। ये देखिए, मैंने छोड़ दिया, ये बंद हो गया, ये अपने बंद ही। ये देखिए, ये अपने आप बंद हो चुका है। इसे स्टार्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है, ये क्लच है, आप क्लच को सिर्फ ऐसे दबाएंगे, ये भीड़ में स्टार्ट हो जाएगा और रेस देंगे, गियर डाला, कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है। ये है इडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम। ये हीरो वाले ने बहुत ही बढ़िया फीचर दिया है। ये अगर आप खरीदने जाएंगे बाइक, तो आपको कहना होगा मुझे i3s मॉडल चाहिए, ये सेम प्राइस पे आपको मिलेगा। तो चलिए मैं आपको अब इसका आगे का रिव्यू देता हूँ, इंजन ऑन और ट्रांसमिशन का। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके इंजन और ट्रांसमिशन का रिव्यू देता हूँ। ये है स्प्लेंडर प्लस का इंजन, ये है 97.2 cc का इंजन। ये 4 गियर के साथ आता है। ये 1 साल से मैं चला रहा हूँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और इसमें सिलेंडर है, 1 सिलेंडर के साथ आता है। इसकी मैक्स पावर है 8.2 bhp। bhp का मतलब है ब्रेक हॉर्स पावर। ये पिकअप में काम आता है, आप नेट पे सर्च कर लेना, आपको इसका मतलब पता चल जाएगा। जो 8000 rpm पे बेस्ड है। rpm का मतलब है रोटेशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितनी बार इसका टायर घूमता है। और इसकी मैक्सिमम टॉर्क है 8.5 nm। ये भी पिकअप के लिए इस्तेमाल होता है, आप ये भी देख लेना, जो 5000 रोटेशन पर मिनट पे बेस्ड है। और वॉल्व्स है इसमें, 2 वॉल्व्स दिए गए हैं। वॉल्व्स का मतलब होता है जो एयर फिल्टर होते हैं और जो भी पाइपिंग वगैरह होती है जो इसमें सेट होते हैं, वो होते हैं वॉल्व्स। और इसमें फ्यूल डिलीवरी कार्ब्यूरेटर से होती है, ये रहा कार्ब्यूरेटर, आप ये भी देख सकते हैं। और फ्यूल इसमें डलता है पेट्रोल। स्पार्क प्लग इसमें सिंगल दिया गया है और कूलिंग सिस्टम इसमें एयर कूल्ड भी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपको एक 55000 के बाइक में एयर कूलिंग फीचर भी दिया गया। और इग्निशन इसकी डीसी डिजिटल इग्निशन है। और इसमें गियर बॉक्स मैनुअल वाला दिया गया है, ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है। गियर 4 है इसमें और चैन ड्राइव है ये। अब ये मत सोचना कि इसमें जो पट्टी लगी होती है जो एक्टिवा वगैरह में, वो भी नहीं है, ये चैन ड्राइव है। आइए, अब ये देख सकते हैं, ये चैन ड्राइव है।
और अब मैं आपको इसकी ब्रेकिंग के बारे में बताता हूँ। ब्रेकिंग में भी इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है, मुझे एक साल से ऊपर हो चुका है। इसमें फ्रंट में भी लगी है ड्रम ब्रेक, इसमें फ्रंट में भी लगी है ड्रम ब्रेक, और इसके बैक में भी लगी है ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। आपको मैं बता दूं, ब्रेक्स बहुत सारी टाइप्स की होती है, डिस्क ब्रेक भी होती है, ड्रम ब्रेक भी होती है, और जो एक्टिवा में होती है वो कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम वो भी होती है। तो ये है ड्रम ब्रेक, और इसका व्हील का अगर साइज जानना चाहते हैं तो ये 18 इंच का व्हील है इसका फ्रंट, और इसमें टायर है ट्यूब वाले। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा इसमें शॉकर्स कौन से टाइप के दिए गए हैं। इसमें फ्रंट है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, तो बहुत ही बढ़िया है। ये आपको फ्लैगशिप बाइक्स में ऐसे शॉकर मिलते हैं, तो बहुत ही बढ़िया शॉकर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप चाहे सालों साल चलाएं बाइक। और इसका बैक शॉकर है हाइड्रोलिक सस्पेंशन, मतलब इसमें हाइड्रोलिक होते हैं, कुछ ये इस तरह दबते हैं, तो देख सकते हैं, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपकी आप अगर इसका ओवरऑल लेंथ देखेंगे तो ये आपको 1970 मिलीमीटर का है ये, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 159 मिलीमीटर, और इसका वेट है अगर आप किक स्टार्ट में लेंगे तो आपको 109 किलो का पड़ेगा, सेल्फ स्टार्ट में लेंगे 111 किलो का, अगर i3s लेंगे 119 किलो का, इसका वेट है 119 किलो। और इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 11.5 लीटर, वो सिर्फ सेल्फ वाले में है, अगर किक वाला लेंगे उसमें मिलेगा 11 लीटर, और रिजर्व है 1 लीटर। दोस्तों कंपनी की तरफ से इसमें बताया जाता है कि इसकी एवरेज है 81 किलोमीटर पर लीटर, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हाईवे पे ज़्यादा 60 तक दे देता है, अगर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलाओगे तो ये 65 दे देगा, ये 81 किलोमीटर पर लीटर नहीं देता है। और अगर आप इसे एक बार फुल टैंक करवाएंगे तो कंपनी की तरफ से बताया गया ये 770 किलोमीटर चलेगा, वो भी बिल्कुल गलत है, ये ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा 650 किलोमीटर, और इसकी टॉप स्पीड कंपनी की तरफ से 87 किलोमीटर पर आवर, और ये भी बिल्कुल गलत ही है, ये 100 तक पहुंच जाता है। अगर आप इसकी स्पीड देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ऊपर कार्ड्स में स्प्लेंडर प्लस और TVS स्पोर्ट की मैंने रेस करवाई थी, ये 100 तक पहुंच गया था स्प्लेंडर, आप वहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं, ऊपर कार्ड्स में भी ये वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। और मैं आपको अब इसके कुछ फीचर्स बताता हूँ। इसका स्पीडोमीटर दिया गया है एनालॉग वाला, डिजिटल नहीं है, वैसे आजकल बड़ी बड़ी बाइक्स में भी यही होता है, एनालॉग ही होता है, हायाबुसा में भी यही एनालॉग ही है। और इसमें फ्यूल गोग, मतलब जो फ्यूल जब ख़त्म होता है ये वाला, देखो ये इंडिकेट करने के लिए ये भी दिया गया है, ये भी है एनालॉग वाला, और फ्यूल लो इंडिकेटर भी इसमें दिया गया है, और स्टार्ट टाइप ये किक से होता है और सेल्फ से होता है, और प्लस इसमें एक्स्ट्रा बटन है i3s जो मैं आपको बता चुका हूँ, देखने के लिए वीडियो शुरुआत से देखें। और इसमें आपको बैटरी दी गई है 12 वोल्ट 2.5 AH की, देख लीजिएगा यहाँ पर इसकी बैटरी दी जाती है, आप खोल के देख सकते हैं, और यहाँ पर ले आइए। और इसकी लाइट है मल्टी रिफ्लेक्टर लाइट है, मतलब इसमें दो ऑप्शन होते हैं, इसको दबाएंगे ऊपर हाई बीम वाली तो सामने वाले की लाइट को ये कट करती है, रिफ्लेक्ट करेगी, और इसमें पास भी दी गई है। तो लगभग मैंने आपको इसका फुल रिव्यू दे ही दिया है। चलो तो दोस्तों आज मैंने आपको स्प्लेंडर प्लस का फुल ओनर रिव्यू दिया है, ये आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें ताकि लोग भी ख़रीदने से पहले फुल इसके फीचर्स देख ले तब जाके ख़रीदें। अगर आप इसकी पंजाब में ऑन रोड प्राइस आप अगर चेक करेंगे i3s की तो है 57,000, ठीक है। तो एक बात बता देता हूँ, ये इस प्राइस में 55,000 में आपको ऐसे का बाइक और कोई नहीं मिलेगा। इसकी लुक देखिए, बिल्कुल बोल्ड लुक में आता है,
तभी तो ये इंडिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेलिंग बाइक है। आप ये बाइक ख़रीदने के लिए आंख बंद करके ये बाइक ख़रीद लीजिए। आप अगर इसे 10 साल भी चलाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक बार सर्विस करा लीजिए फिर न्यू हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगर आप और कोई बाइक का रिव्यू देखना चाहते हैं आप वो भी बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। कोई इतने पैसे खर्च करके कोई और बाइक खरीद के पछताए ना, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।